हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाली हूँ गाइस। सो गाइस, आई एम श्योर आप सबने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सो बेसिकली गाइस, एक डाउट है जिसने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, एंड वो डाउट ये है कि क्या आपके एग्ज़ाम डिले होने वाले हैं, क्या आपके एग्ज़ाम लेट होने वाले हैं, या फिर क्या आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, एंड गाइस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कंप्लीट डिस्कशन करने वाली हूँ कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आया कहाँ से है, एंड क्या ये जो क्वेश्चन है क्या ये सच है, क्या ये सही होने वाला है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सारे डाउट अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड गाइज अगर आप सब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप सबको SOL की तरफ से रिलीज़ किया हुआ वो नोटिस दिखाती हूँ, जिसकी वजह से ये डाउट आ रहा है निकल कर बार बार कि क्या एग्ज़ाम लेट होने वाले हैं, क्या आपकी डेट शीट चेंज हो चुकी है। तो चलिए गाइज, फटाफट से मैं आप सबको उस नोटिस के ऊपर लेकर चलती हूँ, एंड देन वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, ये है वो नोटिस जिसके बारे में मैं आप सबसे बात कर रही थी। सो बेसिकली गाइज, इस नोटिस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोली गई है। बेसिकली इस नोटिस के अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि जो BCom ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड BA इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनकी जो डेट शीट राइट नाउ SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो टेंटेटिव है। बेसिकली गाइज, टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है परमानेंट डेट शीट ना होना। टेंटेटिव डेट शीट के अंदर कुछ चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। सो गाइज, बेसिकली SOL ने ये नोटिस रिलीज कर स्टूडेंट्स को यही बताया, जितने भी ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं, कि जो उनकी डेट शीट राइट नाउ SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है वो टेंटेटिव है। सो गाइज, बेसिकली इस नोटिस के अंदर ये कहा गया है कि जो भी आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो SOL 21 नवंबर को अपडेट करेगा। सो गाइज, जिस टाइम ये वीडियो आप सब देख रहे होंगे उस टाइम बेसिकली 21 नवंबर ही है, एंड गाइज इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा लेट किया, बिकॉज मैं चाहती थी कि SOL की तरफ से कोई परमानेंट नोटिस निकल कर आए, उसके बाद मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ। बट गाइज, बेसिकली आज के दिन SOL की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया गया है, जबकि इस नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि 21 नवंबर को SOL की तरफ से कोई अपडेट आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो गाइज, ये तो बात हो गई SOL के नोटिस की। सो गाइज, बेसिकली SOL ने अपने नोटिस के अंदर कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया है कि जो आपके एग्जाम है वो लेट होने वाले हैं। SOL ने बस सिंपल सी एक बात बोली है कि जो आपकी जो डेट शीट है वो टेंटेटिव है, एंड मे बी पूरे चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। सो गाइज, अभी तक तो SOL की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज़ नहीं किया गया है, रात तक का हमें वेट करना है। हो सकता है SOL कोई नोटिस रिलीज़ करे, एंड गाइज अगर SOL की तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो उससे रिलेटेड भी मैं आप सबके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। सो गाइज, ये तो बात हो गई SOL के नोटिस की। इसके अलावा गाइज, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स आए हैं SOL के जो एग्ज़ाम हैं उनके जो पोस्टपोन होने की जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड। सो गाइज, ऐसा ही एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, 20 तारीख को ये आर्टिकल आया है, एंड गाइज अब मैं आप सबको वो आर्टिकल दिखाने वाली हूँ, एंड गाइज उस आर्टिकल में मैं आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ कि बेसिकली उस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, एंड देन गाइज उसके बाद मैं आप सबको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँगी, क्योंकि गाइज मैंने पिछले 2 दिनों में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें रिसर्च की हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया है, एंड गाइज SOL में मैंने खुद से कॉल करके भी इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की है, क्या सच में आप सबके एग्ज़ाम लेट होने वाले हैं। सो गाइज, बेसिकली मुझे क्या पता चला है ये भी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम उस न्यूज़ आर्टिकल को देख लेते हैं जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सो गाइज़, यहाँ पे हम आ चुके हैं उस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। सो गाइज़, बेसिकली ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ हुआ हुआ एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। सो गाइज़, इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ये लिखा है कि जो SOL DU के एग्ज़ाम हैं वो 3 वीक्स लेट होने वाले हैं, डिले होने वाले हैं। सो गाइज़, जो एग्ज़ाम पहले 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे थे अब वो दिसंबर के एंड से स्टार्ट होने वाले हैं, एंड गाइज जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो PCP क्लासेस हैं वो फिर से लगाई जा रही हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी PCP क्लासेस कंटिन्यू की जा रही हैं, एंड उनका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कवर कराया जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा गाइज, आप लोगों को मैं इस आर्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग खुद से जाकर इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सो गाइज़, ये तो बात हो गई न्यूज़पेपर की तरफ से। सो गाइज़, बेसिकली आपकी एग्ज़ाम डिले होने की क्या रीज़न है ये अभी
कोई नहीं बता सकता, बिकॉज SOL ने अपनी तरफ से अभी तक ये बात नहीं कही है कि आपकी एग्ज़ाम डिले होने वाले हैं। ये सिर्फ न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। एंड गाइस, मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी तरह से न्यूज़पेपर की न्यूज़ पे बिलीव करना चाहिए। मे बी हो सकता है कि न्यूज़पेपर में जो ये न्यूज़ आई है ये सच हो जाए, बट गाइस मुझे नहीं लगता कि आपको अभी पूरी तरह से बिलीव करना चाहिए। इसके अलावा गाइस, अब मैं आप सबको एक बात बताती हूँ जो कि मैंने पर्सनली पता की है। गाइस, SOL की वेबसाइट पे एक PDF अवेलेबल है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स की। सो गाइस, आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट ने वो PDF देखी होगी एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने वो PDF डाउनलोड भी की होगी। सो गाइस, बेसिकली मैं आप सबको SOL की वेबसाइट पे ले जाके बेसिकली वो PDF दिखा देती हूँ एंड उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि बेसिकली उस PDF के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पर मैंने कॉल किया एंड मुझे क्या रिप्लाई मिला SOL की तरफ से। तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं आप सबको SOL की वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे SOL DU की वेबसाइट पे। तो गाइज़, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक नोटिस, यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स का ये एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। सो गाइज़, बेसिकली आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइज़, इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है एंड गाइज, बिकॉज जब से ये नोटिस रिलीज़ हुआ था तब से मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा पता करने का मेरा मन था कि बेसिकली आपका एग्ज़ाम डिले होने वाला है या नहीं। सो गाइज, बेसिकली मैंने इस नोटिस को डाउनलोड किया एंड इस नोटिस के अंदर से मैंने एक फ़ोन नंबर पे मैंने एक कॉल किया एंड गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली उस कॉल में मैं क्या बात हुई मेरी एंड गाइज, बेसिकली मुझे क्या पता चला। सो गाइज, ये है वो PDF जो कि मैंने SOL की वेबसाइट से डाउनलोड किया। आपको आई एम श्योर यहाँ पे ये अच्छे से शो हो रही होगी। सो गाइज, बेसिकली इस PDF के अंदर आपको बहुत सारे नंबर्स प्रोवाइड किए हैं SOL ने। एंड गाइज, अगर आपकी एग्ज़ाम से, आपके एडमिशन से, आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, सो गाइज़ आप इन नंबर्स पर कॉल कर SOL की वेब से पता कर सकते हैं। सो गाइज, बेसिकली मैं आप सबको बताती हूँ कि बेसिकली मैंने किस नंबर के ऊपर कॉल किया था एंड मुझे बेसिकली क्या पता चला। तो गाइज, यहाँ पे आपको ये नंबर शो हो रहा होगा 0112700839। सो गाइज, बेसिकली ये जो नंबर है जिसके लास्ट में 09 है, मैंने इस नंबर के ऊपर कॉल किया एंड गाइज कॉल लगा भी एंड गाइज कॉल रिसीव भी किया गया। सो बेसिकली गाइज, जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि सर के BA जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं उसके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं एंड सर क्या हमारे एग्ज़ाम सच में 27 से स्टार्ट होने वाले हैं या हमारे एग्ज़ाम कुछ लेट होने वाले हैं। तो बेसिकली गाइज, उधर से जो रिप्लाई मुझे मिला वो ये था कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो 27 से ही स्टार्ट होने वाले हैं एंड उसमें कोई भी डिले नहीं होने वाला है। सो गाइज, मैंने पर्सनली खुद से फ़ोन किया था जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एंड और आप सबको ये बताना था। सो गाइज, SOL के इस नंबर पर कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे यही बताया कि जो एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर से ही स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद मैंने उनसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि सर जो हमारे एडमिट कार्ड हैं वो कब आने वाले हैं। सो गाइज, इस सवाल का जवाब उधर से मुझे ये मिला कि हमारे जो एडमिट कार्ड्स हैं, यानी कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, वो 25 नवंबर यानी कि 25 नवंबर को आने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये रिप्लाई किया। सो बेसिकली गाइज, इस पूरी वीडियो में मैंने आप सबको सारी चीज़ें बताई हैं, सारे चीज़ें अच्छे से दिखाई हैं, जो SOL का नोटिस है या फिर जो भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स वगैरह में पब्लिश हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लस मेरा जो पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। बिकॉज गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी इस बात की जानने की, बिकॉज गाइज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर एंड उनका ये डाउट कहीं से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो गाइज, इस नंबर पर कॉल करने के मेरा जो सबसे मेन मोटिव था वो यही था कि मैं आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँ एंड गाइज, ये दो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। उन्होंने मुझे यही कहा कि जो एग्ज़ाम है वो 27 से ही स्टार्ट है एंड जो एडमिट कार्ड है वो 25 नवंबर को आने वाला है। एंड गाइज, अब ये बात सच है या झूठ है इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज गाइज हमारे पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन यस गाइस, मुझे जो जवाब मिला वो मैंने आप सबको बताया एंड गाइस, आप सबकी भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प ज़रूर होगी। बिकॉज गाइस, DU SOL भी ये चाहता है कि जो ये न्यू CBSE सिस्टम आया है इसके अंदर स्टूडेंट की पूरी हेल्प की जाए, बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं न्यू सिस्टम से एंड जो ये बार बार जो ये छोटे छोटे से चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस ने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सारी बातें बताई हैं।
मैंने आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया, मैंने आपको नोटिस दिखाया, एंड प्लस जो मुझे पता चल पाया है आपकी इस एग्ज़ाम डिले से रिलेटेड जो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाई है, मैंने आप सबको देने की पूरी कोशिश की है। सो गाइज, अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग मेरी एडवाइस माने तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों से अभी राइट नाउ अपना माइंड हटा लेना है। बिकॉज गाइज, अगर आपका एग्ज़ाम डिले नहीं हुआ, अगर आपका एग्ज़ाम करेक्ट टाइम पे ही स्टार्ट हुआ, तो गाइज़ आप लोगों के पास तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम टाइम है, स्पेशली ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो गाइज़ आप लोग अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए कि बेसिकली एग्ज़ाम डिले होने वाला है या एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। आप सब इन बातों को छोड़ दीजिए, आप सब सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बिकॉज चाहे एग्ज़ाम अभी हो या बाद में, आप लोगों को एग्ज़ाम तो देना है ही। एंड गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एग्ज़ाम अगर डिले होगा तो उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। बट गाइज, इस चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बेसिकली वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि गाइज, कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेट स्टार्ट होता है, सो गाइज आप सबका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी लेट होगा, एंड गाइज आपका रिजल्ट भी लेट आएगा। एंड गाइज, अगर एग्ज़ाम आपका लेट होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक ये भी पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन के लिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। सो गाइज, मैंने आप सबको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश की है। तो गाइज, अभी जब तक SOL कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ करके ये बात क्लियरली नहीं बोलता कि आपके एग्ज़ाम लेट होने वाले हैं, आप बिलीव मत कीजिए। आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। सो आई एम श्योर गाइज, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको दिया, ये इन्फॉर्मेशन भी आप सबके बहुत काम आने वाली है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप सबके कोई भी और डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।